चॉकलेट की शक्ल में ये एक ऐसा नशा है जिसकी लत स्कूली बच्चों को लगाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने इस साल के पहले 3 महीने में ही गांजा से भरी 5,800 किलो चॉकलेट जब्त की हैं। बच्चों और युवाओं को नशे की लत ना लगे इसके लिए तेलंगाना पुलिस ने करीब 3,500 स्कूलों में एंटी ड्रग्स कमेटी स्थापित करने की कोशिश की है। हम अपने समाज अपने बच्चों के प्रति समर्पित हैं, वो हमारा भविष्य है। अपने राज्य में ड्रग्स को नहीं आने देंगे। छात्रों को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए सजग किया जा रहा है। ड्रग्स सप्लायर्स ने स्कूलों को निशाना बना रखा है, स्कूल के अंदर हो या बाहर। शायद इसमें कर्मचारियों का भी सहयोग हो, पास की दुकान भी निशाने पर हो सकती है। नई सरकार के एजेंडा में साफ है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। जो भी इस धंधे में शामिल मिलेगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तेलंगाना से हम ड्रग्स का खतरा पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि 100% दोषियों को सजा मिले। जितने भी बड़े नाम हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सिर्फ 13% लोगों को ही सजा मिल पाती है। ये देखा गया है कि ड्रग्स के कारोबारियों के निशाने पर पब रेस्टोरेंट से लेकर स्कूल कॉलेज तक है। गरीबों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इसे पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें हैदराबाद शहर से मात्र 50 किलोमीटर दूर संगारेड्डी की है, जहां एक घर में बड़ी मात्रा में एल्प्राजोलेम ड्रग बनाया जा रहा था। साल 2024 की ही बात करें तो पहले 3 महीने में 5,804 गांजा चॉकलेट बरामद की गई है। वहीं 87 गांजा प्लांट पर कार्रवाई हुई है। वहीं करीब 5.5 किलो हैश ऑयल, 22 किलो 300 ग्राम कोकेन, 251 ग्राम हेरोइन, 166 ग्राम MDMA और 32 LSD टैबलेट जब्त की गई है। तेलंगाना पुलिस को भरोसा है कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स की एंट्री राज्य में होना मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि छोटी छोटी मात्रा में सप्लाई भी आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।